हुई शक्लें रोने वाली है वो सामने आओ, बाकी सब एडजस्ट करो। क्विक क्विक जल्दी करो। सर एक मिनट, सर एक मिनट। अरे हटो यार, अरे ये क्या है यार, तेरे को मैंने बोला था प्लेन मटका नीचे डिजाइन वाला मटका चाहिए, ऑडियंस को सब दिखता है लोग बेस्ट क्वालिटी में शूट करते हैं। ओ हेलो, ये मैयत का सीन शूट हो रहा है, डांस सीक्वेंस नहीं है। चलो यही करो। सॉरी सर, मैं भावनाओं में बह गई थी। अरे प्रिया का फोन। एक मिनट इसको दिखाता हूँ। कैसा लगा राजीव? ये क्या हो रहा है? बिंदिया के मैयत का सीन शूट हो रहा है। राजीव मेरी बात ध्यान से सुनो, बिंदिया मरनी नहीं चाहिए। अरे बेबी सब तैयारियां हो चुकी है, मरनी क्यों नहीं चाहिए? अगर नहीं मरेगी ना तो मैं मर जाऊंगा, चैनल की डिमांड नहीं है। तुम्हें चैनल से ज्यादा अपनी अम्मा जी की फिक्र होनी चाहिए जिन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। पता है भूख हड़ताल पर बैठी हुई है ये सोचकर कि उनके ना खाने से बिंदिया किसी न किसी तरह मरने से बच जाएगी। अरे लेकिन बेबी, लेकिन कुछ नहीं राजीव, अगर बिंदिया मर गई ना तो अम्मा जी बिंदिया के मरने की जिम्मेदार मुझे हमेशा हमेशा के लिए ठहराएंगी और मैं उनके ताने नहीं सुन सकती। तो अब तुम्हारी अम्मा नहीं, तुम्हारे बच्चे की अम्मा तुमसे कह रही है बिंदिया मरनी नहीं चाहिए। बेबी तुम समझ नहीं रही हो, मैयत की सारी तैयारी हो चुकी है, सब आ चुके हैं शोक बनाने के लिए, रोना भी शुरू हो चुका है। नहीं अम्मा, रुको रुको रुको, रुको। प्रणाम अम्मा। लल्ला ये तूने क्या किया? मैंने क्या किया? आखिर तूने बिंदिया बहू को मार ही दिया लल्ला, अब हम जीके क्या करेंगे? अरे नहीं अम्मा ऐसे मत बोलिए, आप तो जिएंगे, अभी कुछ नहीं होगा आपको। तू नहीं जानता है बिंदिया बहू से हमारा रिश्ता दिया और पाती जैसा है, जब पाती बुझ गई तो दिया सलामत रह के क्या करेगा? अरे पाती नहीं बुझेगी अम्मा। सच? हाँ मुझ। खा गंगा मैया की कसम। अरे गंगा मैया की कसम, अब तो मैंने कसम खा ली, अब आप भी खाना खा लीजिए। आप खाना खा लेंगी ना तो देखना एनर्जी मेरे अंदर आएगी, मैं चैनल से तो क्या यमराज से भी लड़ जाऊंगा। आइए आइए अम्मा खा लीजिए। अच्छा ठीक है। देखो राजीव अम्मा जी खाना खाने वाली, खाइए। कैसा लगा मेरा ब्रह्मास्त्र? बनारसी ससुर की बनारसी बहू। प्रिया खिलाओ, मेरे सामने खिलाओ, खिलाओ खिलाओ। खाइए ना अम्मा जी, खाइए ना। खा रहे हैं। खा लो लल्ला की अम्मा। अम्मा खाओ, आप खाओ। मेरे सामने, मेरे सामने। क्या हुआ? लल्ला प्रलय पीछे देख। अरे अम्मा ऐसा कुछ नहीं है। लल्ला पलट, हमने सब कुछ देख लिया है। अम्मा देखिए। लल्ला पलट, हम कह रहे हैं तुझे अपनी अम्मा की कसम है। ये बिंदिया और उसका नाम एक ही सीन है, बस एक ही एपिसोड के लिए मर रही है फिर वापस जिंदा हो जाएगी। लल्ला तूने गंगा मैया की झूठी कसम खाई है ना? अम्मा सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही सीन के लिए मर रही है फिर वापस जिंदा हो जाएगी, चैनल से मेरी बात हो चुकी है। अब हम खाना नहीं खाएंगे। नहीं अम्मा, हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे, अब खाना भी नहीं खाएंगे। अरे अम्मा जी राजीव। प्रिया तुम देखो मेरी किस्मत मुझे फंसाए चलेगा, मुझे मेरे हालात फंसाए चलेगा, मेरी तकदीर फंसाए चलेगा, लेकिन तुमने फंसा दिया मुझे। मैंने? अब तुम ही बताओ किसको वापस जिंदा कैसे करना है। मैं? चैनल ने साफ साफ बोला है कोई भी प्लास्टिक सर्जरी, कोई भी डुप्लीकेट रोल, कोई भी जुड़वा बहन नहीं चाहिए। अब तुम बताओ क्या करना चाहिए। लेकिन राजीव मैं राइटर थोड़ी ना हूं, मुझे आईडिया कहां से आएगा? मुझे नहीं पता, जो सोचोगी तुम ही सोचोगी, बस दैट इज फाइनल। मैं काट रहा हूं फोन। बाऊजी ब्रह्मास्त्र फेल। एक्शन। बस एक बार ये सीन शूट होकर चैनल भेज दो, फिर घर जाके अम्मा को खाना भी खिला दूंगा। क्या हो रहा है ये सब? तुम्हें होश आ गया बिंदिया? सुकुट तुम्हें होश आ गया? अरे ये तुम्हारे मरने का सीन। अच्छा हुआ मुझे होश आ गया, नहीं तो बिना मुझसे पूछे अब ये पूरे मरने का सीन शूट कर लेते और बिंदिया हेवी में चली जाती। नहीं मैंने पूछा था, तुम बेहोश थी ना तो मुझे लगा तुम्हारी चुप्पी में हाँ है, इसलिए मैंने सीन शूट कर लिया। मेरे होश में आने का वेट तो कर लेते। मैं तो वेट कर लेता लेकिन चैनल वेट नहीं करता ना। नहीं 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 नहीं, आपने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया राजीव सर, अब तो मैं ये सीन सुन ही नहीं करूंगी। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम सिर्फ एक ही सीन के लिए मर रही हो, फिर तुम्हारा नया जन्म हो रहा है, फिर तुम वापस आ जाओगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मैं ये सब
नहीं मानती। देखो मानता तो पूरा देश नहीं है कि बिंदिया बहू मर सकती है, लेकिन हम मनवाएंगे। एक बार देश को पता लग गया कि बिंदिया मर गई है तो क्या रिएक्शन होगा, कितने आंसू टपकेंगे, कितने लोगों की सांसें रुक जाएंगी, कितने और फैंस बढ़ जाएंगे, फिर मीडिया अटेंशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर जगह इंटरव्यूज, तुम्हारा यहाँ जाना, वहाँ ऑटोग्राफ देना, यहाँ लोगों को भीड़ में हाय करना। तुम बता रही हो कि तुम क्यों मरी थी, क्यों वापस आई, और हर जगह पोस्टर्स ही पोस्टर्स, चैनल प्रमोशन करेगा और तुम्हारा शो और भी अच्छा हो जाएगा और तुम सुपरस्टार बन जाओगी। अब देख लो तुम्हें मरना है कि नहीं। सर आपको तो पता है कि मैंने हमेशा अपने फायदे का ही सोचा है, आई मीन शो के फायदे का सोचा है। आई एम रेडी टू डाई, मैं मरने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब ये कि ये बिंदिया को फिर से जिंदा कर देंगे? बहुत गलत है यार। अरे ये मरने के लिए नहीं, हमें मारने के लिए तैयार है। हाँ, मुझे डायरेक्शन सिखाने के लिए। मुझे लगा था कि ये मर जाएगी तो मैं चैन की सांस लूंगी, लेकिन ये तो फिर जिंदा हो जाएगी। मैंने तो सोचा था कि ये मर जाएगी और फिर मेरा रोल बढ़ जाएगा। यही तो मैंने भी सोचा था कि इसके मरने के बाद कम से कम मुझे डायलॉग बोलने का मौका तो मिलेगा। सर आपने सुना, ये सब लोग मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं। हाँ बस तारीफ कर रहे हैं कि तुम कितनी अच्छी तरह मरी हुई हो। वेरी गुड। राजीव सर मेरे पास भी कान है, मुझे सब सुनाई दे रहा है। नहीं तुम मरी हुई हो, तुम कुछ नहीं सुन सकती। अरे ये मर क्यों नहीं जाती? और यहाँ पर भी तुम गलत बोल रही हो, और तुम्हारे मुंह पर नहीं तुम्हारे पीठ पीछे बोल रहे हैं। How dare you? मुझे भी तुम लोगों के साथ काम नहीं करना। ओके आज से मैं इस शो में मर गई हूँ और ये शो भी मेरे लिए मर गया है। हमारे बनारसी दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया है अपना बिंदिया बहू को फिर से जिंदा करने का। अच्छा जल्दी बताइए बाबूजी। ऐसा है, बिंदिया बहू डंडे से मर गई। अब ऐसा करते हैं, बिंदिया बहू को दोबारा डंडा मारते हैं जिससे वो फिर से जिंदा हो जाती है। अरे जैसा फिल्मों में दिखाते ना, याददाश्त फिर से वापस आ जाती है। लेकिन बाबूजी मरने में और याददाश्त में फर्क होता है। अच्छा एक दूसरा आइडिया, बिंदिया बहू की जब अर्थी उठने को ही होती है, अचानक घर 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 बादल गरजते हैं, बिल्कुल बिजली चमकती है और वहां से यमराज प्रकट होते हैं। वो बोलते हैं, वो गलती से हमने आपकी बिंदिया बहू को मारा, दरअसल हमें किसी और को मारना था। बिंदिया फिर से जिंदा हो जाती है। बाबूजी ये एक इलॉजिकल डेली सोप है, माइथोलॉजिकल शो नहीं है, कुछ और सोचिए ना। लल्ला की अम्मा ये अटैची लेके कहाँ चल दी? अभी चले नहीं है, लेकिन अगर आज के एपिसोड में बिंदिया बहू की अर्थी उठी तो आप समझ लीजिए लल्ला की बाऊजी, उधर बिंदिया बहू की अर्थी उठेगी और इधर हमारी भी उठेगी। अर्थी नहीं अटैची, हम हमेशा हमेशा के लिए बनारस चले जाएंगे लल्ला की बाऊजी। और बहू हमारे जाने के बाद ना तुम लड्डू बांटना पूरे मोहल्ले में कि तुम्हें हमसे और हमारे तानों से छुटकारा मिल जाएगा। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा जी? अब देखिए ना, आपके तानों को सुने बगैर और आपकी कहावतों को सुने बगैर मेरा तो खाना ही हजम नहीं होता। अच्छा बहू, मतलब तुम्हें हमारी बातें हाजमे का चूर्ण लगती हैं? हमारे बनारस में कहावत है बहू कि बहू चाहे करती रहे दिन भर बकवास, लेकिन तीर की तरह चुपती है सास की हर बात। अल्लाह की अम्मा, इधर हम बिंदिया बहू को फिर से जिंदा करने का आइडिया सोच रहे हैं और तुम हो कि अपनी कहावत लेके बैठ गई हो। लल्ला की अम्मा हम दोनों ना एक दो आइडिया तुम्हें सुना देते हैं कि बिंदिया बहू को कैसे फिर से जिंदा किया जाए। हमने सोचा है कि जैसे बिंदिया बहू की अर्थी उठती है, अर्थी टूट जाती है और बिंदिया जमीन पर गिरती है और जिंदा हो जाती है। अरे वाह क्या आइडिया है, क्या आइडिया है। हमारी बिंदिया बहू को मार के तुम्हें चैन नहीं मिला, जो उसे चोट भी पहुंचाना चाहती हो, कुछ और सोचो, बहुत ही घटिया आइडिया है। ठीक है तो ये सुनिए अम्मा जी, नहीं भगवान के लिए ऐसे घटिया आइडिया देना बंद करो। ए भगवान, ऐसी क्या कमी रह गई थी बिंदिया बहू की भक्ति में जो आपने उसको इतनी बड़ी सजा दी, और ऐसी क्या कमी रह गई थी आपकी शक्ति में जो आप हमारी बिंदिया बहू को बचा नहीं पाए। भगवान। और राजीव क्या हाल चाल? बेहाल है, मेरा मतलब ठीक हूँ।
राजीव ठीक नहीं, बढ़िया रहना चाहिए। वो जो बिंदिया का मरने वाला सीन है ना, एकदम टिकटॉक शूट होना चाहिए। और हाँ, वैसे वो जो बिंदिया का जिंदा होने वाला सीन है ना, बॉस उसके बारे में जानना चाहते हैं। अरे वो पहले मरे तो मतलब हाँ, मैं कर रहा हूँ, उसी पे काम कर रहा हूँ, बैठा हूँ राइटर के साथ स्टोरी क्रैक करने की। अरे राजीव क्या कर रहे हो, इतने इंटेलिजेंट हो यार, मुझे तो लगा अब तक विद्या का जिंदा होने वाला सीन तुमने क्रैक कर दिया होगा। हाँ बस थोड़ा और टाइम लगेगा। राजीव थोड़ी देर में बॉस का गुस्सा भी सातवें आसमान पे चला जाएगा, और बॉस के बारे में तो तुम जानती हो कि एक बार उनको गुस्सा आता है। गुस्सा आता नहीं है और आता है तो जाता नहीं है, पता है मुझे, पता है। मैं तुम मेरे को थोड़ा टाइम दो। कहीं राजीव ऐसा ना हो कि थोड़ी देर के चक्कर में बहुत देर हो जाए। और वो जो बिंदिया का मरने वाला सीन है ना, तुमने अब तक नहीं भेजा मुझे, और तुम जानते हो कि आज के एपिसोड में हमें दिखाना है कि किस तरीके से बिंदिया मरेगी और नेक्स्ट एपिसोड में किस तरीके से बिंदिया जिंदा होगी। 10 मिनट दो, मैं 10 मिनट में वो वाला सीन करता हूँ जिसके अंदर वो मरती है, 15 मिनट के अंदर जिंदा होने वाला सीन, और 20 मिनट के अंदर मैं चिप निकाल के भेज दूंगा। तुम 25 मिनट में टेलीकास्ट भी कर पाओगे और आधे घंटे में सब खत्म हो जाएगा, बस 5 मिनट दो मुझे। अरे यार जल्दी करो, जो कुछ भी करना है। इस बार बहुत बुरा फंसा हूँ, 10 मिनट में बिंदिया को मारना है, 15 मिनट में जिंदा होने वाला सीन शूट करना है, और आधे घंटे में चिप निकाल के चैनल में भेजनी है ताकि वो टेलीकास्ट हो सके। अब क्या करूं, लगता है अब जाके बिंदिया को मार ही देता हूँ, मेरा मतलब समझा ही देता हूँ कि शूट कर ले, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। सॉरी, उन सब की तरफ से सॉरी बोल रहा हूँ। नो, आई डोंट वांट योर सॉरी, अब मैं नहीं मानूंगी, और ये सीन तो मैं बिल्कुल ही शूट नहीं करूंगी। अरे तुम सिर्फ एक एपिसोड के लिए मर रही हो। एक एपिसोड तो क्या, मैं एक सीन भी नहीं करूंगी और एक शॉट भी नहीं दूंगी। मैं दोबारा जिंदा कर रहा हूँ ना। क्या लगता है आपको राजीव सर कि मैं बिंदिया बहू की तरह भोली हूँ, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अरे नहीं, मैं तुम्हें बेवकूफ बनाने की जरूरत क्या है, मेरा मतलब मैं क्यों बनाऊंगा, तुम तो स्टार हो, मेरी शो की स्टार हो। अरे सब चैनल ऑन करते हैं तुम्हें देखने के लिए, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। मैंने खुद चैनल से रिक्वेस्ट की है कि मुझे बिंदिया भाऊ वापस जिंदा चाहिए, सब उसको देखते हैं, ये बिंदिया का शो है। अच्छा अगर ऐसा ही है तो आप मुझे बताओ कि आप मुझे जिंदा कैसे करोगे। जैसे ही तुम मरोगी उसके बाद बस 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 राजीव सर, मुझे पटाने की कोशिश मत कीजिए, मैं पटने नहीं वाली हूँ, बिकॉज़ आई एम वेरी इंटेलिजेंट। हाँ मुझे पता है तुम इंटेलिजेंट, मैं तुम्हें क्यों पटाऊंगा ऐसे, मतलब सुन एक सेकंड ना। हाँ बेबी, बाबू ये क्या बोले जा रहे हो राजीव, मैं बोल रही हूँ प्रिया। अरे नया राइटर रखा है मैंने, वो चमड़गंजू भाग गया ना, उसकी भैंस दुलारी मर गई थी, तो ये नया राइटर तुम्हारा सीन लिख रहा है। तो सीन रेडी है? सीन तैयार है। अरे वो बिंदिया के जिंदा होने का सीन क्या है, वो मर नहीं रही है और मैं मरा जा रहा हूँ सुनने के लिए, तो सीन सुनो। वेरी गुड बाबू, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा तुमने। तुम्हारा सीन सुनो, तुम मरने के बाद जिंदा कैसे होगी, और तुम जिंदा कैसा लगा? जोर से लगा सर। हाँ तो आओ ना शूट करते हैं, चलो गो। जैसे ही बिंदिया की अर्थी उठती है, कुशल पागल हो जाता है, और भागता हुआ सीधा माता रानी की तरफ जाता है, और टीका लगा लेता है, और टीका लगा के अपना सर माता रानी के पैरों में पीटने लगता है और माता रानी से कहता है कि जब तक बिंदिया जिंदा नहीं होगी तब तक वो अपना सर ऐसे ही पीटता रहेगा। और फिर माता रानी उससे खुश होके आशीर्वाद के रूप में ऊपर से एक फूल गिरा देती है, और माता रानी की चुनरी उड़ के सीधा बिंदिया के ऊपर आती है। कुशल समझ जाता है कि ये माता रानी का आशीर्वाद है, भागता हुआ बिंदिया के पास आता है, और उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं, और बिंदिया पे जैसे ही गिरते हैं बिंदिया जिंदा हो जाती है। क्यों? कैसा लगा नितिन? वाह राजीव बाबू वाह, क्या लिखा है यार, इधर जैसे कुशल की आंखों से आंसू बहेंगे, इधर वैसे लाखों दर्शकों की आंखों से आंसू बहेंगे, उधर जैसे लाखों दर्शकों की उम्मीद जिंदा होगी, ऐसी इधर बिंदिया जिंदा होगी। वाह राजीव वाह, क्या लिखा है यार। अब एक काम करते हैं, ज्यादा सेंटी नहीं होती और काम पे ध्यान देते हैं। एक काम करो, ये सीन फटाफट शूट करो, मुझे सेंड करो, तब तक मैं बॉस को इस सीन के बारे में बताता हूँ, बॉस खुश हो जाएंगे यार। हाँ ऑफ कोर्स, चलो शूट करो, तो रेडी, कम ऑन, रेडी। अरे तुम लोगों ने ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है, कुशल समझ गया ना क्या करना है। एक्शन। हे माता रानी, क्या कमी रह गई थी मेरी बिंदिया की भक्ति में, जो तूने उसे इतनी बड़ी सजा दी, क्या कमी थी तेरी शक्ति में, जो तू मेरी बिंदिया को बचा नहीं पाई। राजीव सर,
कौशल इतनी सारी लाइंस बोल रहा है उसको बोलो चुप रहने के लिए। वो रुक जाओ, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? मेरी बिंदिया कोई भी यहां से लेकर नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। माता, क्या कमी रखी थी मेरी बिंदिया की भक्ति में जो तूने उसे इतनी बड़ी सजा दी? क्या कमी थी तेरी शक्ति में जो तू मेरी बिंदिया को बचा नहीं पाई? लेकिन अब अगर तूने मेरी बिंदिया को जिंदा नहीं किया तो मैं यहीं अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगा। अरे कट कब करोगे? जब सच में मेरी जान जाएगी तब कट। कैसे बोलो, माता रानी का फूल तो गिरना चाहिए। ओ बबलू एडी, बस हो गया या मेरे आंसू पहुंच रहा है? चल जाके काम कर अपना। परफॉर्मेंस में खो गया था सर। कफर एक्शन। अरे आशीर्वाद दिया माँ ने। कट कट। अगला शॉट ये है कि माता की चुनरी जो है माता से उड़ती हुई सीधा बिंदिया के चेहरे पर गिरेगी। ओके कुशल साहब, ओके टेकिंग एक्शन। अब तो उड़ जाओ बिंदिया। आप रोइए मत। या हमारी बिंदिया बहू मर गई है और हम अपने आंसू भी नहीं बहा सकते। अरे बस थोड़ी देर के लिए मरी है, अभी जिंदा हो जाएगी देखना आप। अल्लाह, जब तक हम अपनी आंखों से बिंदिया बहू को जिंदा होते हुए नहीं देख सकते हमारे आंसू नहीं रुकेंगे। माता रानी की जय हो। हाय, हमारी बिंदिया बहू जिंदा हो गई। अरे मिठाई मंगवाओ, हमारा मुँह मीठा। आज अगर हमारी बिंदिया बहू ने अपनी आंखें खोली है तो तुम्हारी वजह से। आज अगर हमारी बिंदिया बहू मर के एक बार फिर जिंदा हुई है तो वो तुम्हारी वजह से। देखा, मेरा आइडिया था ना, अम्मा जी मुझे थैंक्स कह रही है। तुम्हें नहीं, भगवान जी से बातें कर रही है। आज हम तुम्हारी भक्ति दुगनी शक्ति से करेंगे प्रभु। जय हो, जय हो। ठीक है। वैसे मैं भी क्या सोच रही थी, अम्मा जी और मेरी तारीफ करें। कभी नहीं। और हमें बिंदिया बहू से छुटकारा मिले। कभी नहीं। वैसे अम्मा, हाँ, ये जो बिंदिया बहू मर के फिर से जिंदा हुई है ना, इसमें बहू का बहुत बड़ा हाथ था। नहीं लल्ला, बिंदिया बहू को जिंदा करने में नहीं, बिंदिया बहू को मारने में बहू का हाथ था। अरे नहीं नहीं, ये जो आइडिया अप्रूव किया चैनल ने, ये बहू का था कि वो मर के जिंदा वापस कैसे होगी, बताओ ना। अम्मा जी, कभी तो मेरी तारीफ कर दिया करिए। I'm proud of you. वैसे राजी, मैं भी सोच रही थी कि ये जो बिंदिया बहू मरकर जिंदा हुई है ना, ये बिंदिया बहू नहीं है बल्कि उसकी जुड़वा बहन है जो कुंभ मेले में बिछड़ गई थी। नहीं।